वेलकम टू एजुकेशनल गुरु। आज दिनांक 18 अगस्त 2020 है। आज की जितनी भी करंट अफेयर्स है इस वीडियो में डिस्कशन की जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाई एजुकेशनल गुरु 18 अगस्त 2020। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, हर्ष कुमार भनवाल को। कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष कुमार भनवाल को नियुक्त किया गया है। अब बात कैपिटल इंडिया फाइनेंस क्या होता है, कैपिटल इंडिया फाइनेंस क्या होता है? तो इसके थ्रू इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है ये। इसके थ्रू कोई भी लोन, कोई भी गाड़ी के पास फाइनेंस कराना इसके थ्रू होता है, और इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विस है, प्लेटफॉर्म है एक। और इसकी स्थापना 1994 में हुई और हेडक्वार्टर इसकी इंडिया में ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लॉन्च किए गए 14 अपतटीय गश्ती जहाज का नाम क्या है? तो इसका होगा आंसर ए, सार्थक। लॉन्च किए गए 14 अपतटीय गश्ती जहाज का नाम सार्थक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? तो इसका आंसर होगा ए, बी के पाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विशेषज्ञ का समूह का गठन किया गया। केंद्र सरकार ने बी के पाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर, भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर होगा ए, 2030 तक। भारत सरकार ने 2030 तक सड़क से जितनी भी दुर्घटना होती है उसको ना होने के लिए 2030 तक लक्ष्य रखा है, जो कि मृत्यु दर ना हो, शून्य सड़क मृत्यु दर हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फाइव, किस राज्य सरकार ने 4 मेगा पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा ए, उड़ीसा राज्य सरकार ने 4 मेगा पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अब बात उड़ीसा की है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ई बाइक गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर होगा ए, हरभजन सिंह ने ई बाइक गो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और हरभजन सिंह एक क्रिकेटर हैं जो स्पिनर गेंदबाज हैं, बहुत अच्छे स्पिनर गेंदबाज हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेवन, किस राज्य के राज्यपाल ने कोरोना कविता काल नामक पुस्तिका लिखी है? तो इसका आंसर होगा ए, मिजोरम राज्य के राज्यपाल ने कोरोना कविता काल नामक पुस्तक लिखी है। अब बात मिजोरम की है, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है और मिजोरम के मुख्यमंत्री पी जोराम थांगा जी हैं, और मिजोरम के राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई जी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर एट, किस बैंक ने केसीसी समीक्षा विकल्प पेश किया है? तो इसका आंसर होगा ए, एसबीआई बैंक ने केसीसी समीक्षा विकल्प पेश की है। और एसबीआई, तो एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एसबीआई की स्थापना फाउंडेड
1 जुलाई 1955 हुआ, और SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और SBI का पुराना नाम बैंक ऑफ कलकत्ता है। SBI का पुराना नाम बैंक ऑफ कलकत्ता है, जो कि बैंक ऑफ कलकत्ता के स्थापना 2 जून 1806 को कलकत्ता में हुआ था, और जिसको पूर्व से SBI का स्थापना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से 1 जुलाई 1955 को हुआ फाउंडेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, इजराइल और किस अरब देश ने ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा यूएई। इजराइल और यूएई ने, अरब देश ने ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात यूएई की है तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है, और यूएई की करेंसी दिरहम है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट, किस कंपनी ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सेलेटर प्रोग्राम लिप शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट कंपनी ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सेलेटर प्रोग्राम लिप शुरू किया है। अब बात फ्लिपकार्ट की है तो फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलोर है, और फ्लिपकार्ट 2007 में स्थापना हुई। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई, और फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलोर है, और फ्लिपकार्ट के मालिक सचिन बंसल और विनी बंसल जी हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।